अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो किसी भी इंसान को उसका सपना पूरा करने से रोकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका कोई सपना नहीं है, जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना चाहता। हम सब अपनी जिंदगी में नॉर्मल रहकर नहीं जीना चाहते। हर कोई चाहता है कि वो एक ऐसी लाइफ जिए जो दूसरों के लिए एक मोटिवेशन का काम करे, ऐसी लाइफ जो सोसाइटी में कोई चेंज ला पाए। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी, और लास्ट में मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया है। क्या आपको ये पता है कि इस दुनिया में केवल 8% ही ऐसे लोग हैं जो कोई सपना देखते हैं और उसे पूरा भी कर लेते हैं, यानी केवल 8% लोग ही अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो ऐसा क्या है जो उन 92% लोगों को उनका गोल अचीव करने से रोक रहा है? इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी अपने काम को कल पर डालना। हम हमेशा यही तो करते हैं, जो काम हमें आज कर लेना चाहिए हम उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं, या फिर सोचते हैं कि पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं या फिर कोई मूवी देख लेते हैं, उसके बाद अपने काम को करेंगे। जैसे स्कूल या कॉलेज में नया साल शुरू होने पर हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, सोचते हैं कि इस साल या इस सेमेस्टर जम कर पढ़ाई करेंगे और शुरू से ही अपना सारा काम खत्म करके रखेंगे, ताकि लास्ट में हमें केवल रिविजन करना बच जाए। फिर जैसे ही स्कूल चालू होते हैं, हमें हमारा पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है। हमने सोचा था कि हम उसे उसी दिन घर पे आकर पढ़ लेंगे, लेकिन घर आने पर हम सोचते हैं कि यार आज स्कूल का पहला ही दिन तो था, आज आराम कर लेते हैं, कल से पढ़ लेंगे। ऐसा करते करते दिन और महीने निकल जाते हैं और लास्ट के कुछ महीने ही बच जाते हैं, जिसमें आपको अभी भी उतना ही पढ़ना बाकी है जितना आपको सेमेस्टर या साल के शुरुआत में था। लेकिन अभी भी आपको उतनी अर्जेंसी नहीं रहती। आप सोचते हो यार अभी तो 2 महीने बाकी हैं, आज ये वाली मूवी देख लेता हूँ या फिर YouTube पर एक वीडियो देख लेता हूँ, बस उसके बाद पक्का पढ़ने लगूंगा या फिर अपना जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसे कर लूंगा। और कैसे आपका YouTube पर एक वीडियो देखने का प्लान घंटों में बदल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन जैसे ही एग्जाम शुरू होते हैं और आपको ये एहसास होता है कि अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, इस वक्त आप अपने सभी दूसरे कामों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगे। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे दिमाग में ऐसा होता क्या है कि हम अपने काम को कल पर छोड़ने लगते हैं। ये प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, दुनिया के हर काम में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और अपने जरूरी काम को छोड़कर हम अपना ज्यादातर टाइम आराम करने या मूवी देखने या फिर अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने में बर्बाद कर देते हैं। और यही उन कुछ वजहों में से एक वजह है जो लोगों को अपने सपने पूरे करने नहीं देता। अगर आपको प्रॉब्लम की कॉज यानी कारण का पता चल जाए तो आप उसे दूर करके आसानी से अपने सपने पूरे कर सकते हो। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन में आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी हुई है जिसकी वजह से हमें अपने इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर घूमने फिरने या फिर बेकार के कामों में ज्यादा मजा आता है। हम कभी भी अपने कम्फर्ट जोन को छोड़कर बाहर नहीं आना चाहते। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे दिमाग के 2 पार्ट्स के बीच की लड़ाई है। जब भी हमें कोई मुश्किल काम करना होता है या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। अब मुश्किल काम क्या है? अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक या तो आप पढ़ाई कर लो या फिर आप मूवी देख लो, तो आपके लिए मुश्किल काम कौन सा होगा? 99% लोगों के लिए पढ़ाई करना ही मुश्किल वाला काम होगा। इसी तरह अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको ऑप्शन दिया जाए कि या तो आप प्रेजेंटेशन तैयार करो या फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम आओ या टीवी देख लो, तो आपके लिए मुश्किल काम कौन सा होगा? ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन बनाना। तो जब भी हमें ऐसा काम दिया जाता है जो हमारे लिए एंजॉयबल नहीं है या फिर हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है, तो उस वक्त हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम, जो कि हमारे दिमाग में अनकॉन्शियस प्लेजर सेंटर यानी हमारी खुशी को कंट्रोल करता है, इसमें और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमारे प्लानिंग यानी हमारे काम को प्लान करता है, इसमें लड़ाई होती है। और दिक्कत ये है कि 92% लोगों के केस में हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हमेशा हरा देता है, और वो काम जो हम प्लान करते हैं उसे छोड़कर किसी ऐसे काम को करने पर मजबूर कर देता है जिसमें हमें खुशी मिलती है। हमारा दिमाग हमेशा खुश रहना चाहता है या फिर उस टाइम के प्लेजर को पाने के लिए अपने काम को कल पर टालने लगता है। और ऐसा आपकी गलती से नहीं, बल्कि एवोल्यूशन से चली आ रही हमारे दिमाग की वायरिंग की वजह से होता है। और वो 8% लोग जो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, वो अपने लिम्बिक सिस्टम को हावी नहीं होने देते या फिर प्रैक्टिस से अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ज्यादा एक्टिव बना लेते हैं। और हाँ, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं,
कि ये करना काफी मुश्किल है, यानी अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना काफी मुश्किल काम है। लेकिन इसका रिवॉर्ड यानी इसका इनाम है कि आपको आपकी ड्रीम लाइफ मिलेगी, यानी जैसा आपने सपना देखा है, चाहे वो एक IAS ऑफिसर बनने का हो या फिर एक महान डॉक्टर या इंजीनियर, आपको वो सब मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है कि हमारा लिम्बिक सिस्टम हमेशा जीत जाता है? वेल, बचपन से ही हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारे पूरे दिमाग के सबसे डोमिनेटिंग पार्ट्स में से एक होता है, क्योंकि ये हमारे मूड, हमारी सोच और हमारे बेसिक इमोशंस यानी डर, गुस्से और खुशी को मैनेज करता है। अगर आप अपने हाथ को आग में लेके जाते हो तो ये आपका लिम्बिक सिस्टम ही है जो आपके हाथ की मसल्स को ये सिग्नल देता है कि अपना हाथ वहाँ से हटा लो वरना जल जाओगे। यानी ये आपको वो सारे काम करने से मना करता है जिससे आपको दुख पहुँचता है या फिर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। और वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का एक कमजोर पार्ट होता है, ये आपके माथे के जस्ट पीछे होता है। यही पार्ट हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और डिसीजन लेने में मदद करता है। इवेल्युएशन के दौरान इंसान हमेशा से ही बस खुशी की तलाश करता रहा है, उसे प्लानिंग, एनालिटिक्स और ऐसी लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी जब तक वो टेक्निकल फील्ड में आगे नहीं बढ़ा था। इसीलिए ये पार्ट इतना डोमिनेटिंग नहीं होता है क्योंकि इसके डेवलपमेंट की प्रोसेस काफी देरी से चालू हुई थी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसी पार्ट के डेवलपमेंट की वजह से हम इंसान जानवरों से अलग बन पाए। ये हिस्सा हमें फोर्स करता है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, और ये अपने आप काम नहीं करता, आपको इसे कोई ड्राइविंग फोर्स देना पड़ता है ताकि ये अपना काम कर सके। जैसे अगर कल आपका एग्जाम है तो अर्जेंसी की वजह से आज आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होगा और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ भी करके अपने पास होने लायक तक पढ़ाई तो कर ही लोगे। और अगर आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है या फिर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है तो आपका लिम्बिक सिस्टम पूरा चार्ज अपने हाथ में ले लेगा और आपको वो करने को बोलेगा जिसमें आपको मजा आता है, जैसे घूमने में या मूवी देखने में, ना कि कोई प्रोडक्टिव काम करने में। एमिग्डाला हमारे लिम्बिक सिस्टम का ही एक पार्ट है जो किसी सिचुएशन में हमारे दिमाग के ऑटोमेटिक इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जब हम किसी प्रेशर में या फिर स्ट्रेस में होते हैं, जैसे हमें बहुत सारा काम खत्म करना है या फिर कोई बहुत ही डिफिकल्ट काम करना है, तो उस वक्त एमिग्डाला दो तरह की फीलिंग्स की चॉइसेस देता है। पहला, ये फाइट यानी रेसिस्टेंस पैदा करता है, यानी आपको वो काम करने से रोकता है क्योंकि उसे पता है कि अगर आप इतना सारा काम या फिर कोई डिफिकल्ट काम करोगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। और दूसरी चॉइस है फ्लाइट, यानी उस काम को कम्प्लीटली इग्नोर करने की। एग्जाम्पल, आपके एग्जाम को अभी 2 महीने बचे हैं और आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस को भी पूरा करना है, तो इस वक्त आपका एमिग्डाला ओवर एक्टिव मोड में आ जाएगा और वो आपको पढ़ने से रोकेगा या फिर आपको ये कहेगा कि आपको ज्यादा स्ट्रेस है और अभी आपके पास 2 महीने का टाइम बचा है, तो आप अभी कहीं घूम आओ या फिर कोई मूवी देख लो ताकि आपका स्ट्रेस कम हो जाए। या फिर ऐसे में वो आपको उस काम को कम्प्लीटली इग्नोर करने को बोलेगा, वो आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज जनरेट करने लगेगा जिससे आप उस काम को करने से बच पाओ, और ऐसा काम जिसे करने में आपको मजा नहीं आता, जैसे पढ़ाई करना या अपना कोई इम्पोर्टेंट काम करना, तो जैसे ही हमें कोई इसका अल्टरनेटिव काम मिलता है तो हम इसे तुरंत छोड़कर उस काम को करने लगते हैं और अपने इम्पोर्टेंट काम को इग्नोर कर देते हैं। काम में रेसिस्टेंस या फिर कम्प्लीटली इग्नोरेंस, ये दोनों ही प्रोक्रेस्टिनेशन की फॉर्म है। आपका दिमाग आपको नेगेटिव फीलिंग से बचाता है, ये नॉरपिरेफ्रिन नाम का केमिकल रिलीज करता है जो आपके अंदर डर और घबराहट वाली फीलिंग लाता है, और यहीं से पिक्चर में आता है एड्रेनलिन। हमारा दिमाग एक ड्रग लेने वाले इंसान की तरह होता है, हमें हमेशा खुशी चाहिए और उसके लिए जरूरत है हमारे फेवरेट हार्मोन यानी डोपामिन की, जिसके रिलीज से हमें खुशी का एहसास होता है। जब भी हम कोई अच्छी चीज खाते हैं या फिर मूवी देखते हैं या फिर अपने फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर की वीडियोस देखते हैं, तो उस वक्त हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, और जितना ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा हमें उतनी ही ज्यादा खुशी का एहसास होता है। और बचपन से ही केवल अपनी खुशी का काम करने की वजह से हम डोपामिन के एडिक्ट बन चुके हैं। हमें डोपामिन का डोज किसी भी हालत में चाहिए होता है, अब चाहे उसके लिए हमें कितने भी इम्पोर्टेंट काम को छोड़ना पड़े। तो अब आपको ये पता चल गया कि आप क्यों अपने काम को कल पर छोड़ देते हो। आपको अपने दिमाग में हो रहे 2 पार्ट्स की लड़ाई के बारे में अब पता चल चुका है। तो अब आपका ये सवाल हो सकता है कि आप कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करके अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रातों रात मिल जाए या फिर सिर्फ कुछ टाइम की मेहनत से मिल जाए। सक्सेस की दौड़ एक मैराथन है, ना कि कोई स्प्रिंट रन, यानी ये बहुत लंबी रेस है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं।
इसीलिए इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसे अपनाकर आप एक या दो साल में सक्सेसफुल बन जाओगे। सक्सेस पाने के लिए आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, अपने रास्ते से बहुत से कांटों को निकालना होगा और प्रोक्रेस्टिनेशन उन बहुतों में से सिर्फ एक कांटा है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपने अपनी चीजों को टालने वाली आदत पर कंट्रोल पा लिया तो फिर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। तो इस मेथड का नाम है 3-2-1 मेथड। इसमें आपको चाहे कोई बहुत बड़ा काम करना हो या फिर कोई छोटा सा, आपको उसे उसी वक्त करना है। आप खुद को बोलो कि मैं इस काम को 3 की गिनती के बाद करना शुरू कर दूंगा, और आप 3 से चालू करो, 3-2-1, और फिर बिना कुछ सोचे तुरंत उस काम को करने के लिए बैठ जाओ। जैसे मान लो आपको अपने रूम की सफाई करनी है, तो जैसे ही आपके मन में आया कि नहीं यार कल कर लूंगा, उसी वक्त आपको अपने दिमाग को बोलना है कि नहीं मैं इसे अभी करूंगा, 3-2-1, और 1 बोलते ही किसी भी कोने को पकड़ो और रूम की सफाई शुरू कर दो। ऐसे ही अगर आपको कोई असाइनमेंट करना है तो आपका दिमाग कह रहा है कि अभी एक मूवी देख लेते हैं और शाम को असाइनमेंट बना लेंगे, तो आप अपने दिमाग को बस ये कहो कि नहीं हम असाइनमेंट अभी बनाएंगे, 3-2-1, और 1 बोलते ही तुरंत बिना कुछ सोचे समझे अपनी बुक्स उठाओ और असाइनमेंट बनाना शुरू कर दो। ये टेक्निक इतनी असरदार इसलिए है क्योंकि ये आपके दिमाग को एक अर्जेंसी वाली फीलिंग देती है। आपके दिमाग को कुछ और सोचने का यानी डाइवर्ट होने का टाइम ही नहीं मिलता। आपके लिम्बिक सिस्टम को इतनी अर्जेंसी में ये सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये काम करने के बाद आपको खुशी मिलेगी या आपको दुख पहुंचेगा, तो इसीलिए उसका कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आपने काउंटडाउन के तुरंत बाद बिना कुछ सोचे समझे अपने काम को करना शुरू कर दिया है। और काउंटडाउन की वजह से आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को उसका ड्राइविंग फोर्स भी मिल जाएगा। हमारे दिमाग की एक और खासियत ये है कि इसे कंटिन्यूटी पसंद है। आपने देखा ही होगा कि आपको प्रॉब्लम्स केवल तब तक होती है जब तक आप उस काम को स्टार्ट नहीं कर देते। जैसे ही आप उसे शुरू कर देते हो तो 90% लोग उस काम को पूरा करने के बाद ही उठते हैं, क्योंकि आपके दिमाग को किसी भी काम में डिस्टर्बेंसी पसंद नहीं है और वो जो कर रहा है उसे कंटिन्यू करते रहना चाहता है। मेरे लिए ये तरीका बहुत ही हेल्पफुल रहा है। जब भी मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता मैं इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको एक हैबिट बनाने में हेल्प करता है। आपको इसे स्टार्टिंग के केवल कुछ दिन ही यूज करना है और बाद में आप खुद इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को छोड़कर हमेशा कुछ प्रोडक्टिव करने की आदत डाल लोगे। अब साइंस के हिसाब से एक एवरेज इंसान को करीब 21 दिनों का वक्त लगता है कोई भी नई आदत डालने में, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। शायद आपको इसकी आदत डालने में 1 महीने का टाइम लगे या फिर शायद 1 हफ्ते का। ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमें इस 8% वाले नंबर को बढ़ाना है, इसीलिए अपने दिमाग को प्रोक्रेस्टिनेशन करने का टाइम ही मत दो। आपका अपनी लाइफ में क्या सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। 3-2-1, बिना सोचे समझे इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। और आपको ऐसी वीडियोस देखने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साइंटिफिक माइंड्स के स्क्वाड का हिस्सा बनिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिल जाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।